वेलकम स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम डी बाटर की जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे बाय विलियम डगलस 1898 एंड नाइनटीन वाज बोर्न इन मिनोसोटा आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स इसने जो ग्रेजुएशन है आर्ट्स और इकोनॉमिक्स के अंदर की ही स्पेंट टू ईयर्स दो वर्ष गुजारे टीचिंग हाई स्कूल हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में निजिमा हाउ एवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस वो बोज थक गया इस काम से एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल कैरियर एक कानूनी जो है उसने पेशा अपनाने की का निर्णय लिया ही मेट फ्रेंकलिन डी रूज बेल्ट एट येल येल के अंदर वो फ्रेंकलिन डी रूज बेल्ट को मिले एंड बिकेम एन एडवाइज़र उनके सलाहकार बन गए एंड ए फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट के मित्र भी बन गए डगल्स वाज़ ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वो जो हैं इंडिविजुअल राइट्स के जो थे एक अग्रणी वकील थे ही रिटायर्ड इन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव के अंदर वो रिटायर हुए विद द टर्म लास्टिंग थर्टी सिक्स ईयर्स छत्तीस वर्ष तक वो जज रहे एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस और सबसे लंबी जो सेवा उन्होंने जस्टिस के रूप में दी इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट कोर्ट के इतिहास में द फोलोइ एक्सेप्ट ये जो अंश है इस टेकन फ्रॉम लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से जो इनकी किताब है बाई बिलियम ओ डगलस की इट रिवील्स बताया जाता है हाउ एज ए यंग बॉय जब जो छोटे थे विलियम डगलस नियरली ड्राउंड जो डूब गए थे इन स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल के अंदर इन दिस ऐसे इस ऐसे के अंदर ही टाक्स अबाउट अपने हिस्स फियर अपने फेयर के फेयर ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं एंड दे आर आफ्टर बाद में हाउ ही फाइनली ओवर केमेंट कैसे इसके ऊपर काबू पाया नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन कैसे उनकी जो जीवनी का हिस्सा है ई यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर जो अपने फेयर uh, का डिस्कशन करता है उसको कैसे उसमें मदद करता है चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इट इट हैड हैपंड तब हुआ देखिए इट हैड इट सब्जेक्ट आ गया हैड हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो कौन सा टेंस हुआ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जी ठीक है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इट हैड हैपन्ड जी तब हुआ व्हेन आई वाज टेन और इलेवन ईयर ओल्ड जब मैं दस या ग्यारह वर्ष का था आई हैड डिसाइडेड फिर कौन सा टेंस आ गया ये पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम मैंने सीखने तैराकी सीखने का निर्णय लिया देयर वॉज ए पूल एट द बाई एम सी ए बाई एम सी ए के अंदर एक पूल था इन जाकिमा जाकिमा जगह थी जहाँ पे ये रहते थे दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी जिससे मुझे मौका मिल सकता था तैराकी सीखने का द आगे जाके जाकिमा रिवर की बात भी कर रहा है राइटर है क्योंकि ये रिवर इसके घर के पास से थी तो वहाँ भी ये सीख सकता लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं किया देखिए जहाँ पे बताया गया है द जाकिमा रिवर वाज ट्रेचरस ट्रेचरस होता है धोखा देने वाली डिसेप्टिव ये हमेशा धोखा देने वाली नदी थी क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डूब जाते थे मदर कंटिन्यूली लगातार माँ जो थी वारंट अगेंस्ट इट मुझे चेतावनी देती रहती थी एंड कैप्ट फ्रेश ताज़ा रखती इन माई माइंड मेरे दिमाग में द डिटेल्स सारी जानकारी ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर नदी के अंदर हर किसी के डूबने की जानकारी बट द बाईमसी पुल वॉज सेफ परंतु जो बाई एम सी पूल था ये सुरक्षित था इट वॉज ओनली टू आर थ्री फीट एट दैलो एंड तंग सिरे पर जो था ये दो या तीन फुट गहरा था एंड वाइल इट वॉज़ नाइन फीट डीप नो फुट गहरा था एट द अदर दूसरे पर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल जो ढलान थी ये तो ढलान जो थी ये धीरे धीरे थी ग्रेजुअल का मतलब आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स मुझे पानी के पंख मिल गए एंड वेंट टू द पूल पूल के ऊपर गया देखिए वेंट टू द पूल कौन सी फॉर्म है जे गो वेंट गोन सेकंड फॉर्म में तो कौन सा टेंस हुआ जे पास्ट इंडेफिनेट आई हेटेड फिर कौन सा टेंस हुआ हेटेड हेट हेटेड हेटड सेकंड फॉर्म में वर्क की तो कौन सा हो जाए पास्ट इंडेफिनेट आई हेटेड टू वॉक मुझे घृणा थी चलने में नेक्ड नंगे इन टू इट इसके अंदर एंड शो माई स्किनी लैक्स और अपनी पतली टांगे दिखाने में बट आई सब ड्यूड माई प्राइड मैंने जो है अपने जो इस विश्वास पर काबू पा लिया विमान पर एंड डिडिट और मैंने ये किया फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही हो एवर फिर भी आई हैड एन एवर्शन एवर्शन ए वर्शन होता डिसलाइक घृणा मुझे घृणा थी टू द water पानी से when आई वॉज in इन इट जब मैं इसमें होता कब क्यों हुई दिस स्टार्टर जे तब शुरू हुआ when आई वॉज थ्री आर फोर ईयर ओल्ड जब मैं तीन या चार वर्ष का था ओल्ड एंड फादर टुक me टू द बीच मेरे जो पिताजी थे मुझे वो समुद्र के किनारे पर ले गए इन कैलिफोर्निया ही एंड आई स्टूड वो और मैं खड़े रहे टुगेदर इन द सर्फ समुद्र की जो झाक के अंदर आई हंग ऑन टू इम मैं उनके साथ चिपका हुआ था जेट द बेब्स नोकड मी डाउन समुद्री लहरों ने मुझे गिरा दिया एंड स्वेप्ड ओवर मी और मेरे पर काबू पा लिया आई वॉज बरिड इन द वाटर मैं पानी के अंदर दब गया था बरीड का मतलब दब जाना माई ब्रेथ वॉज गोन मेरी सांसें चली गई थी आई वॉज़ फ्राइटन्ड मैं डर गया था फादर लाफ्ड पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर परंतु वहाँ पे एक आतंक था इन माई हार्ट मेरे दिल के अंदर एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स लहरों के हावी होने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल के अंदर था ओवर uh, पावरिंग uh, मतलब हावी होने वाला फोर्स का मतलब शक्ति माई इंट्रोडक्शन टू द बाई एम सी स्विमिंग पूल मेरी जो जानकारी थी बाई एम सी स्विमिंग पूल के बारे में रिवाइव्ड दोहरा देती हैं अनप्लेजेंट आसुखद मेमरीज यादें एंड स्टेरड चाइल्डिश फियर्स और मेरे जो बचपन का जो डर था उसको uh, उगर कर देती हैं भड़का देती हैं बट इन ए लिटल वाइल परंतु आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस मुझे फिर भी इसमें जो है आत्मविश्वास मिल गया आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स मैंने अपने नोए नए पानी के पंखों के साथ हाथ पाँव मारे मतलब पानी में चला वॉचिंग द अदर दूसरों को देखा वॉयस दूसरे लड़कों को देखा एंड ट्राइंग टू लर्न और सीखने की कोशिश की बाई एपिंग देन उनको कॉपी करके एपिंग होता कॉपी करना नकल मार के उनको देखकर मैंने तैराकी सीखने की कोशिश की आई डिड दिस मैंने ये किया सेकंड फॉर्म है आई डू डिड डन डिड ये सेकंड मैंने किया तो ये पास इंडेफिनिट टेंस हुआ टू आर थ्री टाइम्स दो या तीन बार किया ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिनों में एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज मुझे अब आसानी होनी शुरू हो गई थी इन द वाटर पाने के अंदर वेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड जब ये घटना हुई चलिए आज के लिए इतना ही बाकी हम आगे नेक्स्ट डे जो है इसको रीड करेंगे थैंक्स हैव ए नाइस डे